नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं केसी उजाला न्यूज। बुधवार को कनिष्ठ श्रेणी न्याय दंडाधिकारी एसएस गवई ने भाजपा नेता किरीट समयो के विरुद्ध में दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंडे ने दायर की थी। न्यायालय ने पूरे मामले में समयो के खिलाफ मानहानि, अपमान, शत्रुता अथवा देशजनक तथ्यों को मानने से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि 20 नवंबर 2021 को कनिष्ठ न्याय दंडाधिकारी की अदालत में भांदवी की धारा 499, 503, 504 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया ने एक साक्षात्कार के दौरान कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर अवैध वसूली की राशि की हिस्सेदारी का आरोप लगाया था। इन आरोपों के आधार पर अतुल लोंडे ने अधिवक्ता सतीश उकी के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने याचिका को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया। महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि सचिन वाजे प्रकरणामुळे भारतीय जनता पक्षाचे माननीय नेते किरीटजी सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपामुळे महाविकास आघाडी सरकारातल्या तिन्ही पक्षांची बदनामी होते असं सांगून काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते असलेले अतुल लोंढेजी यांनी नागपूरच्या न्यायालयामध्ये एक फौजदारी याचिका दाखल केली। भारतीय दंडविधानच्या कलम 499, 503, 504 व 505 एक अंतर्गत ही याचिका त्यांनी न्यायालयामध्ये दाखल केली। 14 जानेवारी 2022 ला माननीय न्यायालयाने ही याचिका खारिज करताना तक्रारदार अतुल लोंडे यांच्या तक्रारीमध्ये कोणत्याही प्रकारचं तथ्य नाही, स्पेसिफिक आरोप नाहीत आणि ते सगळे संदिग्ध आहेत, यासह वेगवेगळी 6 निरीक्षणं नोंदवून त्यांची ही तक्रार याचिका निकालात काढली, फेटाळून लावली। आणि ज्याप्रमाणे मी मागच्या काळात सांगितलं होतं की अतुल लोंडेंचे हे आरोप निव्वळ बालिशपणाचे आहेत, आज सन्माननीय न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं की अतुल लोंडे यांचे जे आरोप होते, माननीय किरीट सोमय्या यांच्या विरुद्धची जी याचिका होती ती फेटाळल्यामुळे यांचे जे आरोप आहेत ते निश्चितपणाने बालिश स्वरूपाचे आहेत। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केसी उजाला न्यूज़।